तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, खुशी मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, रुझानों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी दोबारा जो है वो सत्ता में लौट रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने अभी से जो है वो होली मनानी शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही देर में ये नतीजे बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि सत्ता पर किसका राज है और क्या कमल दोबारा खिला है, तो कुछ ही देर में जो है ये नतीजे भी साफ हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त साफ तौर पर इन दोनों तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता होली खेलते नजर आ रहे हैं और ये तो उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि 10 तारीख को ही असली होली मनाई जाएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो 37 साल बाद दोबारा इतिहास दोहराया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें सृष्टि की 1985 में जो एनडीपी वाली थे वो लगातार दूसरी बार सीएम बने थे। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में अगर दोबारा बीजेपी जीतती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इतिहास रचने वाले हैं। बिल्कुल जागृति। और एक अहम जानकारी आपको मैं ये भी दे देती हूँ कि कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा करता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार नोएडा आए और उन्होंने नोएडा का दौरा भी किया। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन जाते तो इतिहास रच देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जिसकी सत्ता एक बार आती है उसके बाद फिर से वो सरकार नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर जो रुझान है वो कुछ और ही कह रहे हैं और तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ पर आपको बताते चले दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की होली आज से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर रुझान कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से वापसी कर रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कमल खिलने वाला है। जी बिल्कुल सृष्टि, साफ तौर पर दोनों तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, मणिपुर की या गोवा की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो कहीं ना कहीं जो है वो